नमस्कार, मैं रफीक अली, आप देख रहे हैं एनयू न्यूज़। सच को जुलाए सामने मुंबई से टॉप 11। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अमित शाह से मुलाकात की मांगे और आईपीएस अधिकारी। पुणे में वैक्सीनेशन सेंटर पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने महिला सरपंच को पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी पर केस हुआ दर्ज। ताजा तस्करी करते समय दो लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हजारों माल हुआ जब्त। करंट की चपेट में आई विवाहित 28 वर्ष की महिला, जगह पे हुई मौत। कोरोना की तीसरी लहर का आना तय, 24 घंटे में आए 42,776 नए केस, 308 लोगों की हुई मौत। कानपुर इटावा हाईवे पर बस की टक्कर से भीषण हादसा, छात्रों ने लगाया जाम। गाजियाबाद पुलिस ने किया अवैध हथियारों फैक्ट्री का भंडाफोड़, महिला समेत 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के राकेश टिकैत बोले, कानून वापस नहीं तो घर वापस नहीं। पीएससी की 6 कंपनियां, आईएआरएफ की 2 कंपनियां तैनात। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के नाम पर ठगी, पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर को किया पर्दाफाश, 2 व्यक्ति हुए गिरफ्तार। सरकार ने कैंसर और डायबिटीज और टीबी समेत 39 दवाइयों की कीमत घटाई, कोविन के उपचार में भी होगी सहूलियत। हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए 2 गज की दूरी।